हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं नई वैकेंसी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। कुछ वैकेंसीज लेकर आया हूँ बायजूस के अंदर। बायजूस जो स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ था, आज के टाइम में इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 22 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। बायजूस एक प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन वीडियोज के थ्रू या ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू या ऑनलाइन टीचर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाने का एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें 115 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2021 के डेटा के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे इसमें टॉप किए थे। तो आइए बायजूस के अंदर ही मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। पार्ट टाइम भी वैकेंसीज हैं, फुल टाइम भी वैकेंसीज है, कस्टमर सर्विस में भी वैकेंसीज हैं और टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। काफी सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, अगर आपका बायजूस में सिलेक्शन होता है तो 20 से 30 हज़ार रुपए आप घर बैठे कमा सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको मैं बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या डेजिग्नेशन रहेगी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। बात करने से पहले एक सपोर्ट चाहिए आपकी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में। अगर कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या इसमें डेजिग्नेशन है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए। तो सिंपल था, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी है, उसको ओपन कर लीजिए या बायजूस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बायजूस का जो कैरियर का ऑप्शन है उसको ओपन करना है आपको। व्यू ऑल जॉब्स करना है। व्यू ऑल जॉब्स करने के बाद काफी सारी कैटेगरीज आएंगी उसमें, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कैटेगरीज आएंगी। तो देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आपको एकेडमिक्स में जॉब करनी है तो एकेडमिक्स की प्रोफाइल भी है, कंटेंट की भी है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की भी है, कस्टमर सपोर्ट में भी वैकेंसीज, ब्रांड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में वैकेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मैं एकेडमिक्स में जाना चाहूँगा। एकेडमिक्स में जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज ओपन होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो मिलेंगी आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेंगी, जैसे कि इसमें पहली वैकेंसी जो आई हुई है वो पार्ट टाइम जॉब की आई हुई है, एकेडमिक स्पेशलिस्ट पार्ट टाइम है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या डेजिग्नेशन, क्या क्या आपकी स्किल्स मांगी गई हैं मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बायजूस का आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा आपको। वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एजुकेशनल मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड वी आर मेकिंग मिलियन फॉल इन लव विद लर्निंग। अब ये पूरा इनका एक अबाउट है बायजूस का। इसके बाद रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पढ़ लीजिएगा। हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्ट्रेंथ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ एंड साइंस, मतलब मैथ एंड साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ाने होंगे इसके अंदर, और कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ाने होंगे, क्लैरिफाइंग डाउट क्लियर करने होंगे उनके, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा आपको, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ग्रेड 4 to 10th ऑन अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब क्लास 4th class से 10th class के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। प्रोवाइडिंग एरर फ्री स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन टू द क्वेश्चन राइज बाई स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने होंगे, उसके सोल्यूशन देने होंगे। अब एन आइडियल कैंडिडेट शुड भी होना चाहिए, जो आइडियल कैंडिडेट इनको चाहिए, हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, पैशन होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर उसको एजुकेशन में, हैव अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज इन मैथ एंड साइंस, मैथ साइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, फोर ग्रेड क्लास 4th से 10th तक इनको चाहिए, 4th से 10th तक आप पढ़ा सके अच्छी तरह से, इम्पेक्टेबल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटन कैमरा फेसिंग स्किल, मतलब वर्बल और रिटन जो कैमरा की फेसिंग स्किल है वो आपको होनी चाहिए, कैमरे पर बोलना आना चाहिए, कैमरे पे के सामने लिखना आपको आना चाहिए। बी एबल टू टीच इन इंग्लिश वन रीजनल लैंग्वेज, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो उसको आपको आना चाहिए, लाइक तेलुगू तमिल मराठी कन्नड़। बाकी सारी ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, वर्क लोकेशन रिमोट वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम रहेगा ये आपका और रिमोट एरिया रहेगा। एम्प्लॉय टाइप पार्ट टाइम जॉब रहेगी, कंपनसेशन 25,000 रुपये फिक्स आप घर बैठकर आराम से कमा सकते हैं। एडिशनल मंथली इंसेंटिव अप टू 3,000 रुपये, अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा 3,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आप कमा सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, एकेडमिक्स की जॉब है और अच्छी जॉब है, आराम से आप घर बैठे 25,000 रुपये महीना कमा सकते हैं जॉब के अंदर। इस वैकेंसी के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप
देख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा जी नीचे इसका ये अप्लाई फॉर जॉब है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें और डिटेल आपकी मांगी जाएंगी, वो जब डिटेल आप दे देंगे तो उसके बाद ये जॉब अप्लाई हो जाएगी। अगर आपकी स्किल, आपका क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो ये लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं जो बाकी कैटेगरीज में, जो देखिए इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। एकेडमिक स्पेशलिस्ट की निकली हुई, ट्विटर की निकली हुई है, आकाश बायजूस, डिजिटल फाउंडेशन, जेई नीट, ऑनलाइन फैकल्टी, अगर जेई नीट की आप तैयारी करवा सकते हैं तो उसके लिए भी जॉब्स है, फैकल्टी बायजूस, ट्यूशन सेंटर के लिए जॉब्स है, काफ़ी सारी जॉब्स निकली हुई है बायजूस के अंदर। अब मैं बैंक जाता हूँ, बैंक के जाने के बाद देखिए अगर कस्टमर सपोर्ट में आप करना चाहते हैं काम, ही फुल टाइम जॉब होगी आपकी, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। अभी कस्टमर सपोर्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव, इस पर जब आप ओपन करेंगे, इस पर ओपन करने के बाद आप देखिए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इनको चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का आपके अंदर होना चाहिए। वाइट हॉट जूनियर इज लुकिंग अ पैशनेट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव विद अ डीप पैशन एंड री इन्वेंटिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, शुड बी एबल टू हैंडल द रिटन कम्युनिकेशन विद द टीचर स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग द इंटायर कन्वर्सेशन। ये देखिए इसमें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, स्किल्स क्या क्या चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस इज कस्टमर सर्विस विद कस्टमर्स क्लाइंट, एक्सपीरियंस आपका चाहिए कस्टमर सर्विस और क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस, मतलब आप कहीं अगर जॉब करे हुए कॉल सेंटर या कस्टमर सर्विस में 1 साल का एक्सपीरियंस तो वो इसमें एलिजिबल होगा। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस बैकग्राउंड इन एनी दिस कंट्रीज, बी एजुकेशन, टेक, कॉमर्स, स्टार्टअप, BPO, ITS, टेलीकॉम, ई लर्निंग। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस स्किल्स होनी चाहिए इन सब ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने काम किया होगा तो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन स्किल्स होंगी। एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, रिटन, दोबारा यही, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का होना लाजमी है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखी ही रखिए। जॉब लोकेशन रहेगी मुंबई रहेगी इसमें, जॉब टाइटल कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, अप्लाई फॉर द जॉब कर दीजिएगा, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर आप कैटेगरीज में जाना चाहें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके थ्रू जाएंगे आप तो आसानी से इसके ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं बायजूस के, और वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर कस्टमर एग्जीक्यूटिव में आप काम करना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है इसके अंदर वेबसाइट के अंदर, उसमें आप काम करना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। मगर हाँ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपनी स्किल के हिसाब से आप देखिएगा कौन सी जॉब आपके लिए सुइटेबल है या कौन सा आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।